मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने लंबे मंथन के बाद अपनी 6 बची हुई सीटों में से 3 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। गुना से कांग्रेस ने बीजेपी की राह पर चलते गुना लोकसभा से यादव प्रत्याशी पर दांव खेला। सिंधिया का मुकाबला यादवेंद्र सिंह यादव से होगा। देखिए खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए सबसे हाई प्रोफाइल सीट गुना के लिए कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर दी है। गुना सीट से ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ पार्टी ने राव यादवेंद्र सिंह यादव को टिकट दिया है। कांग्रेस ने यादव वोटों पर सेंध लगाने के लिए ये दाव खेला। पिछले चुनाव की बात करें तो यहाँ से बीजेपी ने केपी यादव को टिकट दिया था और उनके सामने कांग्रेस से ज्योतिरादित्य सिंधिया थे। उस चुनाव में सिंधिया परिवार को पहली बार इस सीट पर करारी हार का सामना करना पड़ा था। यही कारण है कि इस बार कांग्रेस ने यादव प्रत्याशी पर दांव लगाया है। राव यादवेंद्र सिंह यादव राजनीति में कोई नए खिलाड़ी नहीं है। उनके परिवार में कई लोग सक्रिय राजनीति करते चले आ रहे हैं। विधानसभा चुनाव के पहले जब उन्होंने बीजेपी छोड़कर कांग्रेस का दामन थामा था, तब उनका काफिला न सिर्फ गुना शिवपुरी में चर्चा का विषय बना था, बल्कि प्रदेश भर में उनके काफिले की चर्चाएं हुई थी। राजनीतिक जानकार बताते हैं कि उनका बीजेपी छोड़ने का एक बड़ा कारण ज्योतिरादित्य सिंधिया ही थे। गुना लोकसभा सीट से ऐसा माना जा रहा था कि पार्टी किसी दिग्गज चेहरे को सिंधिया के सामने खड़ा कर सकती है। यही कारण है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव का नाम बड़ी तेजी से यहां से चल रहा था, लेकिन पार्टी ने सभी खबरों को विराम देते हुए लंबे समय की तलाश के बाद यादवेंद्र सिंह यादव को अपना प्रत्याशी बनाया है। अब देखना होगा कि यादवेंद्र सिंह किस तरह से सिंधिया को टक्कर देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, गुना।